Start sound. Camera. Rolling. Are you ready for the clap? Action. Double Dhamaal, Mahurat shot, all the best. मैं कौन हूँ? कौन? वो क्या है? जब यवतमाल में मेरा ट्रांसफर हुआ था, तो वहाँ कोई काम नहीं था। मैं टीवी देखता था और रोज 9 बजे बच्चन साहब को चिल्ला चिल्ला कर देखता था कि कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे करोड़पति बनना है तो मुझे कौन बनना पड़ेगा, और मैं कौन बन गया। The scene we did right now is not in the film. इतने सारे लोग हैं, I think और दो कन्याएं भी आ गई हैं। बिल्कुल, I think वो भी है। और जब पार्ट टू जब होता है तो आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है ना, यू हैव टू बी बेटर देन द फर्स्ट वन। धमाल वन जब मैंने देखा था तो काफी मजा आया था और काफी एक बेहतरीन फिल्म थी, और एक अलग तरह का सेट है बिल्कुल। इतने सारे लड़के हैं और हमेशा जोक्स क्रैक करते रहते हैं, सबका मजाक उड़ाते हैं, इंक्लूडिंग गर्ल्स, किसी को भी नहीं छोड़ते। तो एक काफी अलग किस्म का सेट है और काफी अलग, और सब कलाकार जो है वो मेरे लिए नए हैं, जैसे कि आशीष, रितेश, अर्शद, इनके साथ मैंने कभी जावेद कभी इनके साथ काम भी नहीं किया। सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। रोलर कोस्टर राइड है, मतलब यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, अगर एक्चुअली संजू है तो धमाल है, अगर संजू नहीं होता तो फोर प्ले होता। अरे यार ये मेरा पहली फिल्म है, वेब सीक्वल बन रही है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। दोबारा मौका मिल रहा है कॉमेडीज़म इज अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि एक अलग तरह का एक्टिंग और एक अलग तरह का अप्रोच जो है कॉमेडी के लिए चाहिए होता है। व्हाट मैटर्स इज द फिल्म, द स्क्रिप्ट, द स्टोरी। आई थिंक इट वर्क्ड विद ऑल ऑफ अस विदाउट एनी गर्ल्स। इट्स गुड, यू नो, इट्स गुड एंड जस्ट एड एंड देयर बी मोर पीपल टॉकिंग, देयर बी मोर फन। But I don't think it really matters. That is not the criteria for the film to do well or not. I think मुझे श्रीदेवी बहुत अच्छी लगती है, जैसे उनकी कॉमिक टाइमिंग है और जैसे जितनी एक मासूमियत उनमें आती है वो काफी प्रभावित है। I did my film Dil with Ashok and Indu, जो first time I worked with them, और अनिल ने बेटा किया। हम लोग हालांकि दो अलग अलग फिल्में कर रहे थे, लेकिन we used to come to each other sets and we used to meet each other. तो एक्चुअली अनिल और मेरी दोस्ती भी बिकॉज ऑफ इंदू एंड अशोक ही हुई एक तरह से। माधुरी, वर्किंग विद माधुरी वॉज एन एक्सेलेंट एक्सपीरियंस, एंड इवन आई एम आस्किंग व्हाई आई डिड नॉट वर्क विद हर एवर अगेन। पूरे तो 2-3 फिल्में की है माधुरी, इंग्लिश मैंने सिर्फ 13 की, 13-14 फिल्में की, दैट्स व्हाई आई डिड वर्क विद हर। ये इसको छोड़ ही नहीं जाता, मुझे मेरे साथ काम करने का टाइम कम बचा उसके पास। इट वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल वर्किंग विद माधुरी, एंड शी इज नॉट ओनली अ ब्यूटिफुल गर्ल विद अ लवली स्माइल, fabulous dancer, and most of all she was a lovely, fantastic human being and a good friend whom you could, you know, what are friends ke sukh mein dukh mein, khushi mein aur dukh mein, aur jo kabhi bhi aapko, whenever we want her for anything or whenever she wanted us, we were always there for her. She used to hate Indu because you see he used to shoot so much with her, and but she used to like Aamir a lot. यार ये पहले बता देते, सबसे ज्यादा शी सु लाइक आमिर, वी ऑल यूज़ टू बी वेरी जेलस ऑफ आमिर। आई थिंक एवरी डे इज धमाल धमाल, मतलब यू नो दैट्स व्हाट लाइफ इज फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक इट्स हाउ यू लिव लाइफ, लिव लाइफ फुल्ली, नो कॉम्प्रोमाइजेस, देन एवरी डे कैन बी डबल धमाल। क्योंकि हम लोग तो तैयार हो गए थे और इंदू जी डायरेक्ट कर रहे थे, अशोक और इंदू प्रोड्यूस कर रहे थे, अनिल और मैं रेडी हो गए थे, फिर इंदू जी ने अपना माइंड चेंज कर दिया। माइंड चेंज क्या बात थी इंदू जी, ऐसी क्या बात थी? एक्चुअली मुझे लगा मैं दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। वी आर हियर जस्ट टू विश द एंटायर टीम एंड यू नो आवर गुड विशेस, आवर ब्लेसिंग, आवर लव इज विद देम। जो आज आमिर और अनिल यहाँ पर आए हैं, इट इज बिकॉज के आज हमारी फिल्म, हमारी कंपनी को 25 साल पूरे हुए और हमारी कंपनी इन दोनों के साथ ही शुरू हुई। I think for me, the sense that Indu as a director never was ready to compromise. Whatever he wanted, he used to get. When I remember, हम लोग दिल की शूटिंग कर रहे थे एंड 300 दिन लगे थे दिल को शूट करने में, सीन्स रीशूट होते थे, हम सबको अच्छे लगते थे, तो बट ही वॉज अंटिल इंदू इज सेटिस्फाइड ही डजेंट मूव अहेड। अशोक इज somebody who used to support इंदू
एंड हिज मैडनेस. आई थिंक दैट यू नो जैसे दिल है या इश्क है जो दो फिल्में मैंने की हैं, इन बोथ ऑफ दीज फिल्म द कॉमेडी एलिमेंट वॉज फैंटास्टिक. आई थिंक दैट्स वॉट अट्रैक्टेड मी एज एन एक्टर टू इंदू एज वेल. हिज सेंस ऑफ कॉमेडी, हिज सेंस ऑफ fun, his sense of madness. Beta was one of my, you know, films which was, the role was a very, I used to hate going, you know, doing that role, because it was a very, a role of a kind of a weak son who's completely obsessed with his mother. So whenever I used to go to, on the stage, yeah, wo kya role de diya hai? आप इसमें भी जैकेट.